हेलो, हेलो, क्या हुआ? फोन कर गया था। यस, कौन? अच्छा सतपाल सिंह बोल रहा हूँ, ये मेरे जीवन नंबर। अच्छा ये आप ही का सर नंबर है हाँ जी सतपाल सिंह जी। देखिए एक्चुअल में मैं आपका एक तरीके से मैं दे रहा हूँ इंटरव्यू, ठीक है? हमारे हाँ एक छोटा सा भाई वो चैनल है, ठीक है, यूट्यूब पे। तो जो मतलब भाई जो भी अच्छी बात होती है इंसानियत के लिए, अच्छाई के लिए, फायदे के लिए, तो हम उनको, हम जो पब्लिक है, आवाम है, उन तक भाई हम पहुंचाते हैं कि हाँ भाई सच्चाई क्या है, झूठ क्या है। तो आपका जो मतलब भाई जो थ्योरी है वो आप हमें ओपनली बताइए, ताकि इस बात को हम पब्लिक तक पहुंचाने की कोशिश करें और आपकी जो बात है भाई वो लोगों तक जाए। हेलो, मेरी थ्योरी इस चीज से जिंदगी पे चलती है सर, मौत पे नहीं चलती। मेरी जी थ्योरी ये है कि मेरी थ्योरी चलती है जिंदगी के ऊपर, मौत के ऊपर जी नहीं जी चलती। बिल्कुल, लाइफ के ऊपर, सही बात बस बस लाइफ की है वो, आपको वन टाइम ऑफर है। यहाँ से शरीर के अंदर रूह निकलने के बाद, रूह का मतलब सिर्फ ऊर्जा है और कुछ नहीं है। रूह का कोई रूप नहीं है, ठीक है, कोई रूप नहीं है। ना तो इस रूह को कोई छू सकता है, ना कोई मार सकता है। जिस तरह से हवा है इसी तरह से रूह है। ना तो इसको कोई कोड़े मारेगा, ना इसको कोई कड़े में डालेगा, ना इसको कोई कीड़ों के नगरी में डालेगा। इस रूह का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि ये रूह है, इसको छू नहीं सकता कोई आदमी, ठीक है। और बिना ऊर्जा के ये रूह यहाँ से ट्रांसफर नहीं हो सकती धरती के बाहर। यहाँ की ऊर्जा यहीं पे समाप्त होनी, मतलब समाहित होनी है, ठीक है। इसलिए ये स्वर्ग और नरक है, इंसान को डर इसलिए डाला गया है ताकि वो सभी के इंसान के दिमाग को पुनर्जन्म में लोगों ने बहुत पहले ऋषि मुनि ने इस दिमाग रिसर्च, ये वो दिमाग है इंसान का जिसके हाथ के अंदर खंजर नहीं है, ठीक है, लेकिन उसने खंजर बना दिया। उसके पास मतलब नाखून नहीं है बड़े बड़े, तो उससे बेटर चीज उसने ईजाद कर दी, ठीक है। उसने बड़े बड़े हाथियों को बांध दिया, तो इंसान का दिमाग इतना खुरा पाती है कि इंसान के दिमाग को अगर बांधा नहीं गया, नहीं बांधा गया तो इंसान का दिमाग अगर मतलब वो बोलते ना बेलगाम घोड़े की तरह हो गया ना, तो बर्बाद कर देगा पूरी दुनिया को। क्योंकि कब किसके किम जोन है, इसको कोई डर नहीं है, कोई धर्म का डर नहीं है, जानते ना जी सर। जोन एक मेरा मतलब इसके ऊपर एक मतलब भाई क्वेश्चन है छोटा सा, कि जैसे आपने कहा कि जो मेरी जो ये बात है, थ्योरी है, ये मतलब ये चलती है जिंदगी पे, लाइफ पे, ठीक। तो लाइफ तो सबकी अपनी अपनी है। सभी लोग भाई वो आराम से शादी कर रहे हैं, ब्याह कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, और एक ना एक दिन भैया भाई वो टपक जाते हैं, मर जाते हैं। उसके बाद क्या मतलब इंसान का दुनिया में आने का मकसद क्या है, लक्ष्य क्या है? क्या मतलब भाई ऐसे ही देखिए आज के साथ जो ईश्वर दुनिया में लाया नहीं गया है जी? इंसान को कोई भगवान को भेज नहीं रहा है, बात ये आप यहाँ पे समझो। इंसान को कोई भगवान नहीं भेज रहा है, इंसान सिर्फ एक नर और एक मादा, क्योंकि ये जो पृथ्वी है ना, इस पृथ्वी की प्रकृति है कि यहाँ पे जीव पैदा हो रहे हैं। चांद पे तो अगर अगर भगवान भेज रहा है तो भगवान को चांद पे भी भेजना चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है। चांद पे नहीं भेज रहा है मतलब इंसानों को भगवान नहीं भेज रहा है। अगर आप कहते हो कि पूरे वर्ल्ड को बनाने वाला कोई ईश्वर है, तो वो ईश्वर अगर इंसानों को भेज रहा है तो फिर चांद पे नहीं भेज रहा है, क्योंकि वहां पे उसकी प्रकृति नहीं है। नहीं समझिए आप, वो एक प्रकृति है जो आपको जिंदा रख रही है। एक प्रकृति है जैसे ये जल है, ये वायु है, ये जो हवा पानी जो भी है वो धरती है, ये आपको जिंदा रख रही है। भगवान जिंदा नहीं रख रहा आपको। दिल्ली के अंदर जो लोग जी रहे हैं वो लोग, क्वेश्चन सुन लीजिए मेरा। हाँ। आपने कहा जो मतलब ये खाना है, पानी है, जल है, वायु है, ऑक्सीजन है, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हम जी रहे हैं। तो पानी तो इंसान 80 साल की उम्र में भी पीता है, 100 साल की भी उम्र में पीता है, तो आखिर भाई वो मरता क्यों है? वो मरता इसीलिए है सर, सुनो, मरता इसीलिए है कि पानी तो खत्म नहीं होता। सुनो मैं वो तो कह रहा हूँ, कोई भी जो आप चीज बनी है, आप लोग बनी है गाड़ी, तो गाड़ी बनाने के बाद उसके 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद में गाड़ी का जैसे मेंटेनेंस रखते हो वैसी गाड़ी चलती है। फिर उसके पुर्जे धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं, तो बॉडी बॉडी भी जस्ट लाइक गाड़ी है। हाँ, यानी कि एक मशीन है बॉडी, इंसान जो है मशीन है, फॉर एग्जाम्पल। हाँ, फॉर एग्जाम्पल जीवित मशीन है जिसके अंदर सेल्स है, वो सेल्स धीरे 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 ऐसा करके फिर टूटते हैं और फिर कमजोर होते हैं, कमजोर होते हैं। इसके ऊपर एक सवाल उठ रहा है कि आप कह रहे हैं कि इंसान अपने आप बन गया, मकसद इसका नहीं है, ठीक है। तो गाड़ी जो है, गाड़ी अगर किसी ने बनाई है तो उसका मकसद है ना, क्या उसको भाई इस्तेमाल करें, कहीं जाए, एकदम परफेक्ट बनिए, क्या कहाँ पे टंकी है, कहाँ पे सीट है, कहाँ पे भाई वो मतलब भाई किक है। इसी तरीके से इंसान भी परफेक्ट बनाए, दो आंखें, एक नाक, दो हाथ, दो पैर, ठीक है, दिल है, इतनी नसें हैं, इसको बनाने वाला कोई मतलब परफेक्ट तो होगा ना, या ऑटोमेटिक सब बन जाएंगे? मैं वही तो कह रहा हूँ, जानवर के पेट से जानवर पैदा हो रहे हैं,
ठीक है, चाइनीज के पेट से, अगर चाइनीज के पेट से चाइनीज लोग पैदा हो रहे हैं, इंडियन के पेट से इंडियन टाइप के लोग पैदा हो रहे हैं, वेस्ट इंडियन टाइप वेस्ट इंडियन हो रहे हैं, तो इंडियन है। गाड़ी से गाड़ी पैदा होना चाहिए थे ना, लेकिन उसको तो किसी इंसान ने बनाया। हाँ तो यहाँ पे इंसान अपना माँ और बाप है ना, उसके उसके जो शुक्राणु में उसमें ताकत है, अंडाणु में मिल रहा है ताकत है। पहली बार जो इंसान आया होगा तो वो कहाँ से आया? आया वो आया नहीं सर, वो ये प्रकृति के, आप पहली बार ये मान लेते हो कि वो नहीं, मतलब आपकी थ्योरी ये है कि इंसान अपने आप पैदा हो गया और अपने आप ही भाई आदमी भी आ गया, आदमी आप औरत भी आ गई, दोनों में मतलब हो गया और सेक्स से बच्चे पैदा हो गए। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है। धरती के जैसे कि आप बोलते ना, ये जो यहाँ पे विस्फोट हुआ, धरती अलग हुई, तो यहाँ पर काफी सारी गैसेस बनी, वो गैसें ऐसी थी बनी जैसे चांद थी, उसको चांद ऊपर ऐसे धमाका किया। ये अपने आप हो गया या मतलब इनको करने वाला कोई था, एक पावर यहाँ पे? नहीं वही तो बोल रहा हूँ, यहाँ पे आप मान सकते हो कि ऐसे कोई पावर थी बस, और वो पावर थी जो आयन पावर तो ईश्वर बनते हैं, और ईश्वर को अरेबिक में अल्लाह बोलते हैं। नहीं पावर मतलब, पावर मतलब एक पावर नहीं होती है, पूरी जो चल रहा है ब्रह्मांड वो चल रहा है आयन के ऊपर। आयन मतलब प्लस और माइनस, अपना शरीर चल रहा है वो प्लस और माइनस। आयन को तो कोई बनाने वाली कोई पावर होगी? देखिए आयन सर, हर चीज की कहीं ना कहीं स्टार्टिंग है, कहीं ना कहीं अंत है, लेकिन कोई तो एक ऐसी पावर होगी जिसका ना कोई स्टार्टिंग हो ना कोई अंत हो। सर मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि आप कुछ चीजें हैं जो कि मतलब जो जो ये आँख कान नाक जीभ त्वचा ये महसूस कर सकती है, वो तो है, वो चीज बनती है। ठीक है, सिक्स सेंस, सिक्स सेंस को किसने बनाया? सिक्स सेंस को किसने बनाया? सिक्स सेंस को भाई बनाने वाला जो एक शतीश्वर है जिसको अरबी में अल्लाह बोलते हैं। वो करो सुनो, वो नहीं भगवान ने तो अपने जो शरीर को बना दिया, आँख कान नाक जीभ त्वचा बोलते हैं वो बना दिया, लेकिन सिक्स सेंस कहाँ से आया? आपकी जो थ्योरी है वो ये है कि मतलब जहाँ तक भाई अकल में आया मेरी, आपकी थ्योरी मतलब ये दुनिया में हर चीज अपने आप बन गई है, कोई उसका मकसद नहीं है, एक दूसरे से अपना इस्तेमाल करो, अपना मतलब पूरा करो, काम खत्म करो, ऐसी भी थ्योरी आपकी? सर आप तो उल्टा समझा नहीं, इसलिए तो मैंने आपसे पूछा कि मतलब आप जो समझ में नहीं आया और ओपन बन जाइए। बात ये है सर, अगर आपको पहली बात कुछ सीख ना होता तो पहले जीरो बनाना पड़ता है, ये मानना पड़ता है कि यहाँ से मैं मुस्लिम हूँ ना, हिंदू हूँ ना, मैं कोई और हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट हूँ तो स्टूडेंट सही बात है, स्टूडेंट इस वक्त हम भी हमें भी आप भूल जाइए कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, उसको चाहिए, आप भी इंसान है, हम भी इंसान है। मैं वो तो कह रहा हूँ कि एक जैसे पर्टिकुलर कोई चीज का अगर ब्लास्ट हुआ है तो उसके अंदर चांद बना है, कोई सूरज बना है, या कोई जैसे बना, आप कह रहे हो किसी ने बनाया होगा तो कल्पना मान सकते हैं कि ये होगा किसी ने, चलो उसको अपना अल्लाह बोलते होंगे या कुछ बोलते होंगे, चलो ठीक है ये मान लिया मैंने, ठीक है तो मान लिया, तो फिर थ्योरी आपकी भाई टूट गई ना, आपकी थ्योरी तभी टिकेगी जब आप इस चीज का इनकार करेंगे कि नहीं बनाने वाला कोई नहीं है। मैं भाई मैं आपको उस चीज में समझा लूंगा, लेकिन मैं अभी आपको आपको अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग आप बोलते हो अल्लाह है, तो मैंने सपोज मान लिया कि वो जो उसने ब्लास्ट किया, ठीक है, जबकि ब्लास्ट कोई अल्लाह करने वाला नहीं था, एक जैसे कोई चीज है, एक गोला है, उसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, केमिकल रिएक्शन से ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट से बात करने वाला कौन है रिएक्शन? बात तो यही ना, हर चीज अपने आप को होती नहीं है। अरे सर जैसे जैसे कैसे आपस में कोई करने वाला? मैं आपसे कहूँ कि खाना आपके सामने रखा हुआ है और वो अपने आप ही आपके पेट में आ गया, ऐसा तो ही नहीं, जब आप खाना खुद उठा के खाएंगे तभी तो आपके पेट में जाएगा। मैं वही तो कह रहा हूँ, अपने आप तो होती नहीं है, करने तो होती है ना, तो वो करने वाला कौन है? मैं वही तो कह रहा हूँ कि आप इस चीज को इंसानी रूप में लेके चल रहे हो, आप अल्लाह को एक इंसान इमेजिनेशन कर रहे हो, वैसे कोई चीज नहीं है, क्योंकि वो अल्लाह को ना, तो आप बोलते हैं ना कि ये जो है वो करने वाला कौन है, गैस गैस का कोई कुछ नहीं करता है ना, सॉलिड सॉलिड लिक्विड गैस। नहीं इस समय मैं ईश्वर की अल्लाह की भगवान की अभी मैं कोई बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं एक नॉर्मली चीज पूछ रहा हूँ, मानिए कोई पेन है, पेन क्या ऑटोमेटिक भाई वो धरती पे आ गया, प्लास्टिक जमा हो गई, ढक्कन लग गया, निब बन गई, उसमें इंक भर गई, अपने आप हो गया? नहीं, पेन को कोई बनाने वाला है और उसका इस्तेमाल क्या है कि पेन से कोई चीज भाई हम लोग कागज पे आराम से उतारे, तो ऐसे ही इंसान भी है, अपने आप तो में आँखें मुंह जबान खाना पीना दांत मुंह आते भाई नहीं आ गई, उसको बनाने वाला कोई परफेक्ट है? मेरी बात सुनो सर, बनाने वाला परफेक्ट है वो प्रकृति है अपनी, सृष्टि अपनी, बच्चे की बनाने वाला कोई होता तो चांद भी होता, अगर बनाने वाला होता तो मंगल ग्रह पे कितने भी होता, चांद भी होता, सूर्य भी नहीं होता, तो बनाने वाला मतलब कि बनाने वाला कोई एक है, उसको पता है ना कि कहाँ पे
जो इंसान है वो कायदे सच्चे से भाई वो रह पाएंगे। क्यों सर, बदलने वाले को अगर सभी इंसानों को सभी को अगर अपनी छोरी देनी होती तो सभी पे करना था ना, ये जब बनाने वाले ने ये क्यों किया, और बनाने वाले सबसे पहले धरती के बनते ही सीधा इंसान क्यों बनाया इसके ऊपर। तो बनाने वाला जानता था ना कि चांद के ऊपर भाई पानी नहीं है, बनाने वाले कैसे सर बात हुई थी ना, प्रकृति नहीं उसकी, आप बनाने वाले को चीज को प्रकृति मानो, हम जिंदा क्यों प्रकृति नहीं, मतलब ये है अगर हमने एक फोन बनाया है तो हमको पता है ना कि फोन को ज्यादा चार्ज करेंगे तो भाई वो उसकी जो बैटरी है फूल जाएगी, फोन को पटक देंगे तो टूट जाएगा, फोन को पानी में डाल देंगे तो ऑन नहीं होगा, ये हम बनाने वाला जानते हैं ना। हमने कहो कि नहीं फोन बनाया तो उसको टूटने से टूट क्यों जाता है, इसको टूटना नहीं चाहिए था, तो ऐसा नहीं है ना। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें जिंदा रखने वाला कौन है, ये हवा है या पानी है या ये जो ये धरती है या फिर कोई भगवान है, ये बताओ मुझे सर, ये बताओ मुझे। अस्पताल हम जाते हैं, ऑक्सीजन अगर हमको लेना हो तो भाई पैसों की हमको लेना पड़ता है, ठीक। ऑक्सीजन जो भाई आती है मरीज के लिए वो जब हम पैसा देंगे तो ऑक्सीजन हमको मिलेगी, लेकिन यहाँ आमतौर पर हम लोग भाई ऐसे यूज कर रहे हैं फ्री में, मतलब जितनी ऑक्सीजन इस्तेमाल करना है करो, तो ये फ्री में ऑक्सीजन देने वाला कोई तो एक होगा सर। ऑक्सीजन बढ़ क्यों नहीं रही है, अगर हमको 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 जिंदा रखने वाला कोई अगर भगवान है तो ऑक्सीजन बढ़ा क्यों नहीं रहा है, ऑक्सीजन के अंदर CO2 गैस वगैरह ये क्यों मिक्स हो रही है, हमारी हेल्थ डाउन क्यों हो रही है, हमारे साथ में खिलवाड़ क्यों हो रहा है, जब हम संख्या में बढ़ रहे हैं तो अपने लिए तो इन्हीं सब कंफ्यूजन का जो इलाज है जवाब है वो एक क्षति ईश्वर ने ये बता दिया है कि जो ये इंसानों की लाइफ है, ठीक, पृथ्वी के ऊपर धरती के ऊपर ये उनका एक भाई टेस्ट है, ऊपर वाला ईश्वर दुनिया में इंसान को भेज के आजमा रहा है, एग्जाम उनका ले रहा है कि ये अच्छे काम करते हैं या उल्टे सीधे काम करते हैं। ऐसी बात है कि कोई बीमार हो रहा है तो कोई भाई अच्छे से रह रहा है, कोई का एक्सीडेंट हो रहा है कोई का नहीं हो रहा है, ये सबका अलग अलग मैटर है ना। मैटर नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आपको, मैं समझ नहीं सका, आप मुझे समझ नहीं सके, आप मेरी बात समझ नहीं सके, मैं आपकी बात समझ नहीं सका सर, हमको आपसे कोई नहीं होगा मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि हम ही इंसान है जो इस धरती को पूरा गंदा कर रहे हैं, हम ही इंसान है जो यहाँ पे ऑक्सीजन के दिल्ली वाले जो है इसके लिए अल्लाह अलग नहीं है, बिलड़ा वाले के लिए अल्लाह अलग ही नहीं है, गांव का जो बंदा है उसके लिए अल्लाह अलग ही नहीं है, अगर है तो ठीक है, तो एक ईश्वर अल्लाह ने छूट दे दी है ना कि इंसान को छूट है, वो अपनी मर्जी का मालिक है दुनिया में, वो चाहे तो भाई वो कूड़ा फेंके कचरा फेंके और चाहे तो वो साफ सफाई रखे, मुझे साफ सफाई करना, मैं मुझे कहता हूँ रूह क्या है, रूह है ऐसी कोई चीज है जिसको पकड़ सकते हैं हाथ से, रूह को आमतौर पर आत्मा बोलते हैं, आत्मा रूह है। हाँ तो वो आत्मा क्या है, ऐसा कोई छूने वाली चीज है क्या वो, नहीं आत्मा एक भाई आत्मा है रूह है। हाँ तो उसको वो यहाँ से ट्रेवल कैसे करती है, वो यहाँ से बाहर कैसे जाएगी, इसका हिसाब जो आप बोलते हैं हिसाब होगा ऊपर, तो यहाँ से बाहर कैसे जाएगी। आपने एक चीज सुनी होगी, आप मतलब एक अच्छे इंसान है, एडवोकेट है, आपको पता होगा एक होता है सॉफ्टवेयर एक होता है हार्डवेयर, तो हार्डवेयर के अंदर जब सॉफ्टवेयर होगा तभी तो मशीन काम करेगी, अब आपका PC है ठीक है लैपटॉप है, सॉफ्टवेयर उसका हैंग हो जाए उड़ जाए तो आपको दोबारा फॉर्मेट करना पड़ेगा और उसमें सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो ये सॉफ्टवेयर क्या है, ये भाई आत्मा है हार्डवेयर की, इसी तरीके से हमारी इंसानी बॉडी क्या है भाई, वो हार्डवेयर है, उसमें जो आत्मा है रूह है वो सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इस चीज को तो आप मानते हैं या इसका भी इनकार आप करेंगे। अरे सर मैं आपको आप प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप हर चीज को इंसानी जो चीजें दिख रही है ना, अरे तो मैं इंसान हूं इंसानी सोच इस्तेमाल करूंगा ना, मैं वही तो चीज है ना, यहाँ पे चीजें आप लेके चल रहे हो वो सब चीजें इमीजिनरी लेके चल रहे हो, जैसे जो चीज यहाँ पे है वो डर डाल दिया वहाँ के अंदर, वो ऐसी मैं ये मानता हूँ स्वर्ग और नरक जैसी चीज नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती है, इंसान अपने हिसाब से जिसको जिंदगी जीनी चाहिए, क्योंकि वो वन टाइम ऑफर बार बार नहीं मिलने वाली और उसके बाद कोई हिसाब नहीं होने वाला, बस मेरा ये मानना है। जैसे भाई इंडियन कोर्ट का कानून है कि अगर कोई रेप करता है तो 7 साल की उसको भाई जेल है, अब मैं कहूँ कि नहीं जेल वेल को नहीं है, मैं नहीं मानता जेल वेल को, ये इंडियन कोर्ट का कानून है ना सर, इसी तरह तमाम दुनिया को बनाने वाले का एक कानून है, अच्छा काम करोगे तो अच्छी जगह जाओगे सर, उल्टे सीधे काम करोगे तो जाओगे नरक। मैं वो तो कहता हूँ कि यहाँ जो किताबें लिखी है कानून की, तो कानून की किताब किसी आदमी ने लिखी है,
ठीक है ना, और उस आदमी को ऐसा ये बोलता मैं मुझे भारत की जन्म भूमि है, मेरी भारत की माता है, तो भारत माता ने इतना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नहीं बोला है यहाँ से इतिहास लिखो हमारी, ये तो है बात। अब जितना आप समझ पाओगे समझ लो, नहीं तो भारत माता है वो उन्होंने भीमराव अम्बेडकर को ये नहीं बोला है कि तुम इस देश के कानून, मैं तुम्हें ये है ना, ये धरती माता का कानून है, ये भारत माता का कानून है। भारत माता तो इलॉजिकल है, इलॉजिकल नहीं, मैं तो भारत की, भारत के जो देश है, देखिए जो माता होती है भाई वो क्या होती है, फीमेल होती है, वो भारत भाई वो तो मेल है, तो मेल को फीमेल भाई हम कहाँ से बना देंगे, स्त्रीलिंग और भाई पुल्लिंग बना दिया है, सुनो ऊपर नहीं हम माता नहीं कहते हैं, सुनो ऊपर वाला जो निराकार है वो भाई उनका उनकी अपनी आस्था है, हिंदुस्तान बस हिंदुस्तान ठीक है, हाँ भारत माता नहीं है, भारत की इज्जत करते हैं, इस्लाम माता नहीं मानते, अब प्रॉब्लम ये है आप इस्लाम से बाहर निकल रहे हो, हिंदुस्तान मान लिया मैंने, ठीक है ये तो मानते हो, नहीं इंडिया बोलिए, भारत बोलिए, इंडिया बोलिए, इंडिया मान लिया, हाँ इंडिया है, भारत है, हिंदुस्तान है, सुनो इंडिया है और इंडिया का कानून है, जैसे धरती है धरती का कानून आप बोल रहे हो कि कुरान है, तो इंडिया है तो इंडिया का कानून किसने लिखा, किसी आदमी ने लिखा है, लिखा है ना, लिखा है ना, तो बच्चे वही बात, हाँ तो किसी आदमी ने लिखा है, लेकिन जो है ना इंडिया ने आके उसको नहीं बोला है भीमराव अम्बेडकर को कि तू ये कानून बना, ठीक है उसकी मेजोरिटी थी भीमराव अम्बेडकर की, उसने लिख दिया, हाँ तो कानून के फायदे हुए कि नहीं हुए वो नहीं बात है, बात ये चल रही है, मुद्दा ये चल रहा है कि कानून कानून नहीं, कानून ये है भाई कि कानून क्या, इंडिया ने उस भीमराव अम्बेडकर को कॉल किया है या इंडिया ने बोला उसको कि तू ये कानून बना, उन्होंने अपनी कमेटी बनाई और मुझे सही बनाया, बात ये चल रही है, बस बात ये चल रही है कि आप बोलो ना कि आप बोलो कुरान ईश्वर की आवाज वो नहीं है, क्यों, क्योंकि मुझे चलिए मैं बताता, देखिए ठीक है, इंडिया में भाई कौन से अपराध पे कौन सा उसको मिलेगा दंड, ये आदमी ने बताया, ठीक इसी तरीके से ईश्वर ने इंसान ईश्वर मतलब नहीं सर, क्योंकि इंडिया ने नहीं बताया उसको भीमराव अम्बेडकर को, बात भी चल रही है इंडिया ने, भीमराव अम्बेडकर साहब ने भाई जो कानून बनाया संविधान बनाया भाई वो काहे के लिए बनाया, इंसानियत के लिए, काहे के लिए नहीं सर, बात ये कानून उन्होंने बनाया या इंडिया ने उसको कॉल किया, इंडिया ने नहीं बोला है भीमराव अम्बेडकर को ये देश का कानून ये बनेगा, देखिए कोई किसी से बोलता नहीं है, तो आप कह रहे सर ईश्वर ने बोला है, तो आप हम क्या कहने जा रहे हैं, आप दोनों बातों को एक साथ कर रहे हैं ना, अगर मैं कोई बनाता हूँ सीडी प्लेयर, ठीक तो सीडी प्लेयर जब मैं बनाऊंगा तो मैं उसके साथ भाई ये उतार दूंगा गाइड बुक कि इससे ओपन होता है इससे क्लोज होता है, ठीक इससे फॉरवर्ड होता है, तो ये मैं एक भाई में किताब लिखूंगा ना, अब जरूरी नहीं है हम खुद बन जाए सीडी प्लेयर, उसी तरीके से ईश्वर ने इंसानों को बनाया तो उसके साथ एक पैगाम भी भेजा कि इंसानों को ऐसा करना है, इसमें फायदा है, ऐसा करेंगे इसमें नुकसान है, सर बात वही है ना, आप तो वो जो वहाँ से सुन के आते हो वही बोलते हो और मुझे वो चीज एक्सेप्ट नहीं हो रही है, क्यों, क्योंकि मैं वही कहता हूँ कानून बना हुआ है इंडिया का, तो इंडिया ने भीमराव अम्बेडकर को साथ पैगाम नहीं भेजा है, तो इंडिया का कानून अगर आप पाकिस्तान जाएंगे तो वहाँ पे नहीं चलेगा, पाकिस्तान वाले अगर इंडिया आएंगे तो पाकिस्तान का कानून भाई नहीं उसमें चलेगा, ये कानून है ना, लेकिन तमाम इंसानों को बनाने वाले का कानून एक ही है, चोरी करना पाप है तो वो चाहे कोई इंडिया में रहे पाकिस्तान में रहे बांग्लादेश में रहे कहीं पर भी चोरी करेगा तो वो ईश्वर के नजदीक पाप है, ये सर नहीं सर, ये पूरे इंसानियत जो है वो पूरे वर्ल्ड में कॉमन है, ठीक है ना, इंसानियत ना, सुनो इंसानियत की परिभाषा क्या है, ये हर किसी को जीने का हक मिले, ये इंसानियत है और ये ही धर्म है, मेरे कहने का मतलब ये, अगर धर्म जैसी परिभाषा है तो भी जो चाहे बच्चे हो चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो चाहे जानवर हो, प्रकृति के हर एक जीव को, क्योंकि उस जीव का कौन है बनाने वाला, कौन है भगवान, आपके जो कह रहे हो अल्लाह कह रहे हो, अल्लाह ने किसी को बनाया है तो तुम उसको मानने की तुम्हारी औकात नहीं, मतलब तुम्हें मार के तुम हराम काम कर रहे हो, कहना मतलब ये तुम्हें सबको जीने का हक मिलना चाहिए आपके, अगर बात अगर चल रही है ना तो ये है, ईश्वर ने बता दिया ना कि अगर किसी इंसान ने दूसरे किसी इंसान को फालतू में मार दिया तो इंसान को मार दिया, ईश्वर तो रोक रहा है ना, अब मारने वाले नहीं रोक रहे, अब देखिए जैसे भाई हमारे पापा हैं उन्होंने पैदा हमको किया, अब पापा हमारे कह रहे हैं बेटा चोरी ना करना ना करना, उसके बावजूद अगर हम चोरी कर रहे हैं तो ये हमारी दिक्कत है ना, इसमें हम अपने पापा को थोड़ी ना दोष देंगे कि मेरे पापा ने, सुनो मेरे बाप ने ये भी मुझे नहीं कहा जानवर को मार लेना वो ठीक है इंसान मत मारना, मेरे बाप ने ये भी कहा कि जानवर भी नहीं मारना है, बस
मेरे बाप ने ये कहा है, इसलिए अल्लाह कभी ये नहीं कहता कि आपकी जानवर को मारो, बस क्योंकि वो उसी के बने हुए रूप है। हाँ तो कहा ना एक शत ईश्वर ने कहा कि अपने शौक के लिए शिकार के लिए कोई मतलब जानवर को ना मारो, खाने के लिए नहीं, काम के लिए नहीं, किसी के लिए, क्योंकि अगर अगर आपको किसी इंसान तो ये कहती है कि खुद मर जाओ, लेकिन दूसरे के ऊपर हाथ नहीं आनी चाहिए, इंसानियत ये कहती है और ये ईश्वर की आवाज है। ये कहती है आप अपने आप को इंसान मानते हो कि नहीं? मानता हूँ। तो आपके भाई जो दांत हैं भाई वो चपटे भी हैं नुकीले भी हैं, मांसाहारी भी खा लें शाकाहारी भी खा लें, ये इंसानियत भी है। पर मैं ये देखा हूँ इंसानियत ये कह रहा था कि मैं भूखा मर जाऊँ। इंसानियत क्या है ये इंसानों को बनाने वाला बेहतर जानता है, हम इंसान खुद नहीं जान सकते। अब जो चोर होगा चोर कहेगा चोरी करना भाई वो पाप नहीं है भाई, ये तो हमारा कारोबार है, हम चोरी नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? तो उसके नजदीक जो भाई चोरी करना है भाई वो जायज है, लेकिन आमतौर पर भाई वो पाप है। तो इसी तरीके से जो लोग नॉनवेज भाई वो नहीं खाते हैं भाई ना खाएं, लेकिन एक शब्द ईश्वर ने भाई जो दांत दिए हैं और जो भाई उनको भाई जो आते दिए हैं पेट दिया है जो हाजमा है पाचन शक्ति है वो ऐसी दी है कि वो मांसाहारी भी खा लेगा तो आराम से झेल लेगा, शाकाहारी भी खा लेगा तो भी झेल लेगा। सर मेरे मैं चल रहा है, मैं आपकी बात नहीं समझने वाला, क्योंकि मुझे ये पता है कि इंसानियत का मतलब ये होता है कि खुद मर जाओ लेकिन दूसरों को उसकी लाइफ में उसको जिंदगी दो, खुद खुद की मौत से भी दूसरों की जिंदगी दो। यही तो एक ईश्वर ने कहा, जिसने किसी एक इंसान की जान को बचाया गोया उसने सारी इंसानियत को बचाया। आपकी आपकी प्रॉब्लम पता है क्या? आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपके जो उसके अकॉर्डिंग टू इस्लाम बोल रहे हो, इस्लाम के अंदर मुसलमान और इंसान और कुछ भी नहीं है, जानवर ना। नहीं आपको आप बड़ी बात तो तमाम धर्मों में आया हुआ है, चाहे भाई वो हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो, किसान कोई नहीं कहता इंसानों को मार दो, जानवर के बारे में बोल रहा सर, क्यों मारपीट करो शांति जानवरों के, जानवरों के बारे में यही बोला सर। क्या जानवर के बारे में यही बोला कि जानवर जीव जीव मात्र वो नहीं मानना चाहिए बस कोशिश। तो आप जो सांस इस वक्त भाई वो ले रहे हैं ना ऑक्सीजन, पता नहीं कितने भाई आप भाई वो मार रहे हैं जन, बस आप जन को मार रहे हो, आप साथ भाई को लेना बंद कर दो तो ऐसा नहीं होगा ना। आप मुझे भी कह रहा हूँ मैं धर्म की आड़ मत लो, फिर धर्म की आड़ मत लो, लॉजिकल बात कर रहा हूँ साइंटिफिक बात कर रहा हूँ, इस समय हटा दीजिए धर्म को, कोई धर्म नहीं है। साइंटिफिक बात ये है कि इंसान अपनी जिंदगी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, साइंटिफिक ये है। आपकी थ्योरी क्या, चलिए हटा दीजिए धर्म क्या कह रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, पंडित क्या कह रहे हैं, सबको हटाइए, आपकी थ्योरी क्या है?